वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि विवाह पंचमी क्या है और राम सीता जैसा वैवाहिक जीवन क्यों नहीं लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान राम के विवाह की जो दिन व तारीख मिलती है उसके अनुसार मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। इसी खास तिथि को विवाह पंचमी कहते हैं। रामचरितमानस में ऐसी घटनाओं का जिक्र साफ है जिससे पता चलता है कि विवाह से पहले ही देवी सीता ने भगवान राम को अपने पति के स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, आइए हम आगे जानते हैं कि राम व सीता और पुष्प वाटिका का क्या है संबंध। आपने अगर रामायण पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा तो यह जरूर से याद होगा कि भगवान श्री राम और सीता की पहली भेंट पुष्प वाटिका में हुई थी, जहां देवी सीता गौरी की पूजा के लिए आई थी और श्री राम पुष्प तोड़ने के लिए। बता दे कि यही वह जगह थी जब पहली बार श्री राम और सीता ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बता दे कि इस छोटी सी मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं रामचरितमानस के दोहे के बारे में। तो दोहा इस प्रकार है, मनु जाहि रचई मलहि सो भरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सृजान सिलु सुनेहु जानत रावरु एही भांति गोरी असीस सुनी सिय सहित हिये हरंशी अली तुलसी विवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो दोस्तों, इस दोहे का अर्थ है, श्री राम के दर्शन पाने के बाद माता सीता गौरी की पूजा करते हुए मन ही मन यह प्रार्थना करती है कि उन्हें पति स्वरूप में भगवान श्री राम प्राप्त हो। वहीं देवी सीता की इस मनोकामना को समझते हुए माता गौरी उन्हें यह आशीर्वाद देती है कि भगवान राम ही उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। बस इसी तरह धनुष भंग करके देवी सीता के श्री राम बन गए पति परमेश्वर। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन शादी क्यों नहीं होती। भगवान श्री राम और सीता के इस विवाह पंचमी के दिन कोई भी शादी करना नहीं चाहता, जबकि यह सबसे शुभ दिन माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल राम और सीता की शादीशुदा जिंदगी काफी कष्टदायक रही। यही कारण है कि कोई भी जोड़ा राम और सीता के इस विवाह पंचमी के दिन शादी करने से कतराता है। तो दोस्तों, हम भी आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप विवाह पंचमी से जुड़ी हुई बातें जानकर अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के बीच जरूर से शेयर करेंगे, ताकि वह अपना शादीशुदा जीवन खुशी से व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया विवाह पंचमी के बारे में, दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपना सुझाव और फीडबैक कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।